तो गाइज आप सभी को तो पता ही होगा कि सैमसंग ने ए सीरीज वाले सारे स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए थे, जो कि लॉन्च होने का था 28 फेब को दोस्तों। ऐसे में आज हम लोग बात करने वाले इन्हीं में से कोई एक स्मार्टफोन के बारे में, जिसका कि नाम है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी A50 के बारे में। मैं बताऊंगा इसमें आपको क्या कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं और करेंगे इसका छोटा सा रिव्यू और जानेंगे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन। गाइज मैं हूँ विवेक और आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ऐसे लाजवाब वीडियो मैं आप सभी के लिए डेली अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर इसके डिस्प्ले के बारे में और डिज़ाइन के बारे में, तो मैं आप सभी को बताऊं इसमें जो डिज़ाइन मिल जाता है वही सेम डिज़ाइन मिल जाता है जो कि हमें A30 में भी देखने को मिला था। जैसा कि दोस्तों आपको मिल जाएगा ग्लास ग्लॉसी वाला फिनिश, जो कि दिखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, पर दोस्तों इसका बिल्ड होता है पॉलीकार्बोनेट और प्लास्टिक से। तो बात करें दोस्तों इसके स्क्रीन साइज की, तो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें स्क्रीन साइज 6.4 इंचेस का, जो कि एक सुपर एमोलेड स्क्रीन है दोस्तों। तो सुपर एमोलेड स्क्रीन तो काफ़ी अच्छा दे दिया सैमसंग ने इस डिवाइस में दोस्तों बात करें इसके एस्पेक्ट रेशियो की, तो जैसा कि आपको पता है इसमें आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी यू स्टाइल नॉच, तो आपको एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा 19.5:9 वाली। तो बात करें कैमरास की, तो आपको देखने को मिल जाएगा बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो कि एक मेन हाईलाइट है स्मार्टफोन की दोस्तों। जैसा कि अब बात करें सेंसर की, तो आपको मिल जाएगा 25 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, जिसका कि अपर्चर लेंथ है f1.7। और बात करें दूसरी कैमरा की, तो आपको देखने को मिल जाएगा वाइड एंगल सेटअप, जो कि है दोस्तों एक 8 मेगापिक्सल का, और बाकी 5 मेगापिक्सल आपको मिल जाएगा डेप्थ सेंसिंग कैमरा की। बात करें दोस्तों इसके फ्रंट कैमरा की, तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा 25 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। सैमसंग ने 20 से 25 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया, तो 25 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि यहां पर बन जाता है एक छोटा सा अपग्रेड सैमसंग की तरफ से। यहाँ पर अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर भी आपको सैमसंग का ही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि है दोस्तों एक्सिनोस 9610, जो कि 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी ऊपर बेस्ड है दोस्तों। तो बात करें डिटेलिंग में इसके प्रोसेसर की, तो दोस्तों ये 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर बेस्ड है दोस्तों, और ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर है दोस्तों। बात करें बैटरी कंपार्टमेंट की, तो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें बैटरी 4000 mAh की, और आपको सपोर्ट मिल जाएगा टाइप सी का फास्ट चार्जर का, और बॉक्स में आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें इस फोन की दूसरी हाईलाइट की दोस्तों, तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें देखने को मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, जो कि काफ़ी फास्ट है दोस्तों। और दोस्तों बात करें सॉफ्टवेयर की, दोस्तों ये रन करता है एंड्रॉयड पाई के ऊपर, फिलहाल तो अभी एंड्रॉयड पाई के ऊपर रन कर रहा है। जैसा कि अपडेट आएगा तो आपको शायद क्यू का भी अपग्रेड मिल जाएगा। और बात करें इसकी UI की, तो दोस्तों ये रन करता है सैमसंग के नए One UI के ऊपर। बात करें ये कौन से रैम वेरिएंट में लॉन्च होंगे, तो दोस्तों ये दो रैम वेरिएंट में लॉन्च होंगे, जो कि 464 और 6128 GB के रैम वेरिएंट। जैसा कि मैंने आपको इसके सारे स्पेक्स बता दिए हैं, तो अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। गाइस जैसा कि सैमसंग ने इसका जो लॉन्च किया बेस वेरिएंट जो कि 464, तो उसका प्राइस रखा 20,000 रुपये, और जिसका हायर वेरिएंट है दोस्तों 6128 GB वाला, उसका प्राइस रखा है दोस्तों 23,000 रुपये। तो दोस्तों इसका तो कुछ यही प्राइस रखा है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो देख लेगा तो जरूर पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ऐसे ही लाजवाब टेक रिलेटिंग वीडियोस मैं आप सभी के लिए डेली अपलोड करता रहता हूँ। इस फोन का भी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ मेरे इस चैनल पे, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रख लेना, ऐसे में आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।